फाइनली आज के दिन मुंबई हाई कोर्ट ने दे दी है रिया चक्रवर्ती को रिहाई। रिया चक्रवर्ती को मिल चुकी है बेल और बेल मिलने के बाद यहां पर एक और खबर सामने आई है। जी हां, आप सबको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को बेल मिलने के बाद खड़े हो रहे हैं लगातार एक के बाद एक कई सवाल। बता दें कि रिया चक्रवर्ती जिसकी आज बेल हुई और बेल होने के बाद रिया चक्रवर्ती को लेकर एक ऐसी खबर चौंकाने वाली आई सामने जिसने सबको हैरान कर दिया। जी हाँ, बता दें कि रिया चक्रवर्ती के जेल से बाहर जाने से पहले रिया चक्रवर्ती सबसे पहले अपने भाई शोविक से मिली, फूट फूट कर रोते नजर आए दोनों भाई बहन गले मिलकर, और उसके बाद दोनों ने आपस में बहुत सारी बातचीत की, जहां पर रिया ने कहा कि मैं जा रही हूं। तो ऐसे में शोविक चक्रवर्ती ने आखिरी शब्दों में आखिरी मुलाकात में अपनी बहन से कहा कि दीदी मुझे भी साथ ले चलो, मुझे अब जेल में नहीं रहना, प्लीज दीदी मुझे बचा लो। और वहीं दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती कहती नजर आई, भाई शोविक तुम परेशान ना हो, अब मैं बाहर निकल गई हूँ और मैं तुम्हें किसी भी तरह जेल की सलाखों से बचा लूंगी। ये आखिरी शब्द रिया के अपने भाई शोविक से थे, जहां पर रिया ने शोविक को दिया दिलासा कि वो किसी भी तरह से जेल से बाहर निकाल लेगी और जेल से बाहर निकालने के बाद रिया चक्रवर्ती शुरू करेगी अपना नया प्लान। जी हाँ, जेल से बाहर निकलते ही रिया चक्रवर्ती अब अपने भाई शोविक को बचाने के लिए हर एक हथकंडा अपनाती हुई नजर आएगी, और यहाँ पर अपने भाई शोविक को बचाने के लिए रिया कुछ भी कर सकती है। तो ऐसे में अब रिया के बाहर निकलने के बाद रिया कैसे आएगी और बचाएगी अपने भाई शोविक को, ये जानने के लिए बने रही हमारे चैनल नेक्स्ट लाइफ का।